जय माता दी। मैंने आपको पहले कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों को कैसे करना है उसकी विधि बताई। अब चतुर्थ नंबर पर हम जो करेंगे वो अथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो इस विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टाकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जगत दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, तुम सावित्री, तुम परिणी परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व के ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी माता, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल के समय में स्थिति रूपा हो, और कल्पांत के समय में संहार कारण करने वाली, संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही हिरिंग हो, और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, तुम शूल धारणी, तुम घोर स्वरूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, मुशंडी और पारधि ये भी सब तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यातुर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। परा और अपरा, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर में धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने में मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धश असुर मधु और केटव हैं, इनको मुंह में डाल दो, और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। जय माता की। ये हमारा तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम यहाँ पर संपूर्ण होता है। जय माता।